हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो फ्रंट के हम हेयर कटिंग करते हैं जिसको बैंग भी बोला जाता है। तो आज मैं हेयर कटिंग करने वाली हूँ और मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है और वो जो ये बना रही हैं आगे से ये वो क्या ये हकीकत है या फेक है, बाल ख़राब ना हो तो टेस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम अपने बालों को वॉश कर लेंगे अच्छे से। मैंने वॉश कर लिए हैं, पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो कटिंग है वो सही से हो। अब हम इस तरह से बाहर निकालेंगे उतने जितने हमें काटने हैं। इसे लेना चाहिए तरतीब से, अगर ज़्यादा से भी बाल इधर से उधर हो गए हैं तो हमारे बालों की बच जाएगी बैंग। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, बालों का बेड़ा गलत होगा या क्या होगा, बट ट्राई करना पड़ेगा आप लोगों के लिए ताकि किसी भी वीडियो को यूट्यूब पे से देख के आप लोग गलत हेयर कट ना कर लो। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये सब रियल या फेक है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए हैं अपने बाल जितने हमें कट करने हैं। बाल हमने निकाले पीछे के बालों पे हम लगा लेंगे कैचर ताकि डिस्टर्ब ना कर सके। ये ले लिए हमने आगे के बाल, ज्यादा नहीं लिए, थोड़े से लिए ताकि खराब हो तो थोड़े से ही खराब हो, ज्यादा ना। ये हमने ले लिए हैं आगे से इतने इतने बाल जो हमने कटिंग करनी है। ठीक है, ये हमने ले लिए हैं। जितने हमें बाल कट करने हैं हम उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तक आए तो हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि ये जब खुलेंगे तो ये वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कटिंग करने वाले हैं। कैंची आ जाओ, मुझे नहीं पता मेरे बालों के साथ क्या हुआ है, मैंने काट दिए थे सारे बाल अपने। इसे मैंने बालों को आगे से थोड़ा सा कर लिया गीला क्योंकि हेयर बैंड लगाने की वजह से सारे पीछे की साइड फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे देंगे वी शेप, ये हमारी कटिंग प्रॉपर हो चुकी है। लेयर कटिंग तक ये हमने कर ली, दोनों साइड से ले लिया, इसको कर लिया पीछे, इसकी हम लेंगे वी शेप जो कि हमने दे दी है, इसको हम काटेंगे नीचे की साइड से क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा, हमें रखना है अगर इतना तो हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे और नीचे की साइड से काट लेंगे जो कि मुझे आती है। इसको हम थोड़ा नीचे से कट कर लेंगे शेप के लिए। फाइनली कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ये मेरा नया लुक है। इस लुक
पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर लूँ और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइनली मेरी कटिंग हो चुकी है अब कंप्लीट। गाइस फाइनली मेरा फाइनल लुक हो चुका है रेडी और मैंने असल में पीछे से बिल्कुल बालों को नहीं छेड़ा, यहाँ के बालों को थोड़ा ऐसे क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रही थी तो इस वजह से मैं अपने सारे बाल को ख़राब तो नहीं कर सकती थी। अब टेस्टिंग के चक्कर में बहुत मुश्किल से बाल बढ़ते हैं, आसान बात नहीं होता है, तो मैं टेस्टिंग कर रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा अपने बालों के ग्रोथ लिए नहीं है कि ज़्यादा ख़राब हो, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बाल अपने नहीं सोचा कि ख़राब होंगे, पर मुझे नहीं पता था इतना अच्छा लुक आएगा, वरना मैं ज़्यादा बाल लेती। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा लुक आएगा, तो इस वजह से मैंने कम बालों का अपना काम किया। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी इधर लेयर शेप दी है और बीच में से मैंने ज़रा सा बेबी कट शेप दिया। तो गाइस गर्मी बहुत शदीद वाली है और ये मेरा है फाइनल लुक। एक्चुअली बाल थोड़े से गीले हैं, ये सूख जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो गाइस ये है मेरा लुक, न्यू लुक, न्यू हेयर स्टाइल है, न्यू लुक है मेरा। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये मेरा था छोटा सा ब्लॉग हेयर कट का, तो बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा हेयर, न्यू लुक और बेबी डॉल तो नहीं लग रही। तो गाइस इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना भी, अपने घर वालों का भी। तो अभी के लिए बाय बाय।